मन मोहन दे दे कूक मचा दी हासी जय जय हाय घूंघट के पट खोल दिए खोल दियो मानो दोज की है गई पूरण मासी बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। और ये कल्लू भैया, ये कल्लू भैया अलीगढ़ से आए हैं, अलीगढ़ से आए हैं कल्लू भैया। ये 50 रुपए आरती में अर्पण करते हैं, भगवान रास बिहारी परिवार में सुख शांति पहुंचाए। जय धन है लड्डू सखी, कितना सुंदर भाव है। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, प्यारे किसी ने कहा है चाहे जीवन में कहीं भी जाओ और एक बार अगर वृंदावन भी नहीं गए तो सारे तीर्थ बेकार हैं। क्यों? क्योंकि हर तीर्थ राज के लिए हर तीर्थ कर देता है, लेकिन वृंदावन स्वयं में राजा है। जो कि अब ना तो ही पढ़ाओ मेरे इंग्लिश में है गयो फेल कन्हैया, अब ना तो ही पढ़ाओ मेरे इंग्लिश में। और का करी सकी, सुन ले सुनाए दे। तेरे हाथों में लाठी दे दूंगी, तेरे हाथों में लाठी दे दूंगी, तेरे हाथों में लाठी दे दूंगी, तेरे हाथों में लाठी दे दूंगी। तू रोज चरइए गाय कन्हैया, अब ना तो ये पड़ाऊंगी रे गलिस में है गयो फेल सवरिया, अब ना तो ये खुरपी दे दूंगी, तेरे हाथ में खुरपी दे दूंगी, तेरे हाथ में खुरपी दे दूंगी, तेरे हाथ में खुरपी दे दूंगी। तू रोज को चाहिए घास का नैया, अब ना तो ये पड़ाओगी इंग्लिश में है गयो फेल का नैया, अब ना तो ये अब ना तो ये पढ़ाऊंगी इंग्लिश में गयो फेल। और कहा करेगी सखी, तेरी कमारी पड़ा लहरा माथी घुमेदा गजब करे, तेरी 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 माथी घुमेदा गजब करे। टोपी काऊ रसिया की नजर पड़े, टोपी काऊ रसिया की नजर पड़े, तू बिनो मारे मरी पारो चुटीला रेशम को। तेरी कमर बीच लहराए
ओ यूं कहे वृंदावन बारो है, 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 कछु ले ले पोनि हमारो 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 है, ओ फिर नाय पाछे पछताए पछताए तेरो पारो चुटीला रेशम को कमरी बीच लहराए लहराए तेरे पारो चोटीला रे समी को बोल बाके बिहारी लाल के गिन गिन के ओ दो रात कटती है मेरी अतारे जोगिनिया बनाए गयोरी
और आप तो जाई द्वारिका धाए, आप तो जाई द्वारिका धाए, ओ हमें तो, ओ हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो चोगिनिया बनाई गयोरी, ओ यशोदा नंद को लाला, ओ यशोदा नंद को लाला, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो बाबाजी बनाए गयोरी, आपके माते मुकट विराजे, आपके माते मुकट विराजे, आपके माते मुकट विराजे, आपके माते मुकट विराजे, वो हमारे सिर, हमारे सिर जटा रखाए गयोरी, हमारे सर जटा रखाए गयोरी, हमारे वो यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो पकितानी बनाए गयोरी, हमें तो दीवानी बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी। और आप तो ओड़े साल दुसाला, 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 ओ हमें तो कारी कबरी उड़ाए गयोरी, हमें तो कारी कबरी उड़ाए गयोरी, हमें तो काली कमली उड़ाए गयोरी, हमें तो काली कमली उड़ाए गयोरी, ओ यशोदा नंद को लाला, ओ यशोदा नंद को लाला, हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी, हमें तो बाबाजी बनाए गयोरी। बोली रास बिहारी सब हरी हो, करे जोर विनय मांगत हूँ, आयुष मांगत हूँ श्री भाने दुलारी, भाने दुलारी, कर कृपा की कोर बेग ही पधारो, सो रास में पधारो श्री राधिका प्यारी, हे राधे जू, अब समय मेरे नवनीतराश मंडल को है गयो है, सो कृपा करके मोरे साथ रास में पधारो और रास को रचाओ प्यारी। मेरे प्यारे मोहिना इन्हें सखिए निकली सरतार, चलो पधारो रास में, सो करियो रास बिहार। श्री श्यामा जी पाती स्वयं प्यारी रास मंडल में पधारो, और समय हो गया रास को सुको दीजियो प्यारी, तुम पे जाऊं बलहा, तुम पे जाऊं बलिहारी, रास रचो के सरी को जी बिहारी, और हम सभी को सुख दीजियो तुम रास रचो बनवारी,
चलोरी चले साहो चलोरी चले साहो सखिया नले हो अरे डबल को जगी पाए राधा वल्ला प्रिय वल्ला प्रिय वल्ला राधा वल्ला राधा वल्ला प्रिय वल्ला प्रिय वल्ला और ताक 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 तो टीका जुड़ दे और ताक 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 तो टीका जुड़ दे और ताक 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 तो टीका जुड़ दे टीका जुड़ दे टीका जुड़ दे टीका जुड़ दे भाव देखे ये प्रेम की डोरी हो सागर होए बाही बांध दिखाओ सागर होए बाई बांध दिखाओ सागर होए बाई बांध दिखाओ सागर होए बाई बांध दिखाओ बज्र होए ताए पीस उड़ाऊं आजी बाजर होए बाए पीस दिखाऊं बज्र होए बाए पीस दिखाऊं बाए पीठ दिखाऊं बज्र होए ताए पीस दिखाऊं आजी बाजर होए बाए पीस दिखाऊं खंब होए बाए फार दिखाओ खंब होए बाहे फार दिखाओ खंब होए बाहे फार दिखाओ खंब होए बाहे फार दिखाओ तीन पैर से नाप सृष्टि इतना नापी जाए जीने जीने प्रेम की धोरी पे तोड़ी ना छोड़ी जाए गिनी झिनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी ना छोड़ी जाए अरे तोड़ी ना छोड़ी जाए वो मो पे तोड़ी ना छोड़ी जाए हाँ तोड़ी ना छोड़ी जाए वो मो पे तोड़ी ना छोड़ी जाए झिनी झिनी प्रेम की डोरी थोड़ी ना थोड़ी जा अग्नि होए ताए मैं पी जाऊं आजी अग्नि होए बाए मैं पी जाऊं ओ अग्नि होए ताए मैं पी जाऊं अग्नि होए बाए मैं पी जाऊं हृणा कुश को फार दिखाऊं हृणा कुश को फार दिखाऊं हृणा कुश को फार दिखाऊं हिरणा कुश को फाड़ दिखाओ हिरणा कुश को
थारी दिखावां हिरणा कुश को बाण दिखावां ओ धनुष होए बाए तोर दिखावां जी धनुष होए बाए तोर दिखावां ओ धनुष होए ताए तोर दिखावां कोहे मारोड़ पलट दऊं सृष्टि प्रीत न पलटी जाए पर पलट दऊं सृष्टि प्रीत न पलटी जाए जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे थोड़ी ना चोड़ी जाए जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे थोड़ी ना चोड़ी जाए अरे तोड़ी ना छोड़ी जाए तो पे तोड़ी ना छोड़ी जाए हाँ तोड़ी ना छोड़ी जाए ए तो पे तोड़ी ना छोड़ी जाए जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी ना छोड़ी जाए तोड़ी ना छोड़ी जाए वो पे तोड़ी ना छोड़ी जाए हाँ तोड़ी ना छोड़ी जाए वो पे तोड़ी ना छोड़ी जाए ओ जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी ना छोड़ी जाए ओ जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे तोड़ी ना छोड़ी त्रिवेणी में नहाओगे नहाओगे चार बार चित्रकूट नौ फेर नासिक बार बार घूमे घूमे बद्रीनाथ आओगे बार बार घूम घूम बद्रीनाथ आओगे बार बार घूम घूम बद्रीनाथ आओ श्यामा तुम्हीं को गावे तुम्हीं रिझावे और जब तक घट में प्राणी रहे हाँ तब तक काना तुम्हीं रिझावे जब तक सदा तुम्हीं निभावे तब तक प्रेम हम तुम्हें सो निभावे अजी वृंदावन का वासी भला जे हो औरी वृंदावन को वासी भलो यहाँ पासी बहे यमुना तटी रानी बट रानी औरी वृंदावन को वासी भलो जे हो यहाँ पासी बहे यमुना तटी रानी औरी जो जन नायके ध्यान धरे वे कुट मिले तेने को रजधानी कुंड मिले तिन को रजधानी बे कुंड मिले तिन को रजधानी
और ये वेद पुराण बखान करे जे हो और ये वेद पुराण बखान करे और ये संत मुनि तिने के मनोमानी मनमानी यमुना यमदूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिकारानी भव तारत हैं श्री राधिकारानी भव तारत हैं श्री राधिकारानी राम पनो चढ़ी बारी को सुंदर सुंदर देखिए ये ब्रज के संतों का भाव है। ब्रज के संतों ने श्याम के सुंदर छवि का वर्णन किया है, यही तो महाराज है। जामा बनो जड़ बारी को सुंदर लाल बंद जमे जड़ी किनारी किनारी झालरदार बनो जाको पटका रेशम की चटी लागत प्यारी रेशम की चटी लागत प्यारी रेशम की छब लागत प्यारी रेशम की छब लागत प्यारी श्यामा कन्हैया गोपी प्रेम की ध्वजा। एक मंदिर होता है और मंदिर के ऊपर गुम्बद होता है, उसके ऊपर चोटी होती है, चोटी के ऊपर ध्वजा होती है। गोपी प्रेम की ध्वजा जिन दीखे नंदलाल इन्हें मिले ब्रज गोपिन श्याम और धर भुजा लाल। गोपी प्रेम की ध्वजा गोपी प्रेम की ध्वजा क्यों ये गोपियां जो हैं ये हमें बता रही हैं कि ये श्याम सुंदर हैं या महाराज सो रहा है। सभी आए प्रभु के लीलाओं का वर्णन करें। गोपी प्रेम की ध्वजा और ये गोपी बने सरताज अरे जे प्रीतिना पलटी जाए हाँ गोपी बने सरताज प्रीतना पलटी जाए जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे थोड़ी न छोड़ी जाए जीनी जीनी प्रेम की डोरी मो पे थोड़ी न छोड़ी जाए जीनी एक दिना की बात सकी यहो एक दिना की बात सकी वो श्याम लला मेरे घर आयो आयो और मैंने समझो ब्रज को सका अजी धीरे से घूंघट सरकायो धीरे से घूंघट सरकायो धीरे से घूंघट सरकायो आजी इतने में वो चलो गयो इतने में वो चलो गयो वो एक सकी ने आए बतायो आज बतायो ताली की आवाज बढ़ा दो भैया ताली की इतने में वो चलो गयो एक सकी ने वो आए साउंड वाले भैया साउंड पा जाए आग लगे तेरी घूमता में मैंने जी भर श्याम को तरस न पायो जी भर श्याम को तरस न पायो जी भर श्याम को तरस न पायो और बांसुरी बजावे चल टेढ़ी मेढ़ी चाल है बजावे चल टेढ़ी मेढ़ी चाल है ऐसो ही रगीलो मेरो मदन गोपाल है ऐसो ही रगीलो मेरो मदन गोपाल है ऐसो ही रगीलो तेरा मदन गोपाल है
और ये बांसुरी बजावे चल टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चल टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चल टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ऐसो ही रंगीलो मेरो मदन गोपाल है, ऐसो ही रंगीलो मेरो मदन गोपाल है। ताक ताक तोम तोम तीता त्रकड़ दही, ताक ताक तोम तोम तीता त्रकड़ दही, ताक ताक तोम तोम तीता त्रकड़ दही, ताक तीता त्रकड़ दही, ताक तीता त्रकड़ दही, ताक तीता त्रकड़ दही। और बांसुरी की तान तीनों लोगों में छाई गई, देखी नारी नारी तो यू नहीं मानो भाई गई, नहीं मानो भाई। बांसुरी की तान तीनों लोगों में छाए गई, देख नारी नारी तो यो नहीं मानो भाए गई, ओ नहीं मानो भाए गई, ओ नहीं मानो भाए गई। और सखियों कहिए क्यों ना अपने मोर बोटी पे मोर भगवान के दर्शन करने चलते हैं। चलो श्यामा जी, ठीक है चलो ठीक है। और श्यामा जी के मन में उत्कंठा जागृत हुई, कहा हम मोर बोटी पे मोर भगवान के दर्शन करने चलेंगे। और ये श्री कुमारी राधिका और श्यामा जी के मन में नवेन्द्र उत्कंठा जागृत हुई है और कंटा छाई और ये मेरी नृत्य देखने को मन अति कंटारी छाई। अभी के बिना श्री कुमार राधिका अरे मन आशा लाई, मन में आशा लाई, आज लेक मयूर ले कोते तन मन कटा लाई। तो मोर भाए कभी नहीं पाया, जीता दिना मोर नहीं दिना मोर नहीं पायो। देख के समझ में देखा कि मोर कुछ पेड़ी मोर ना ऐसे कहने लगी सखियों से। अरे सखियों कहिए श्यामा जी मोर कुटी पे तो एक भी मोर नहीं है। अरे थोड़ा आगे और चलो भाई, लता बता में छुपे होंगे। ठीक है चलो सखियो, कितना सुंदर भाव सखियो ने कहा। अरे श्यामा जी अरे थोड़े आगे को बढ़ के देखो, कहीं मोर भगवान लता पता में छुपे होंगे। देखिए ये गोपियों की मन की भावना को श्याम सुंदर समझ गए। अगर मैंने श्यामा जी को दर्शन नहीं दिया तो मेरी राधा मेरी श्यामा जी मुझसे रुष्ट हो जाएगी। तो स्वयं कृष्ण मोर बन करके आए और मोर वहाता पाए और नटवरी नंदी की सोर मोर वहां आयो ओ मोरे
आदेश के मोहिने नटवर नटवर किशोर अरे मोर वाले आयो करा मोर वाले मोर वाले आयो मोर वाले आयो
श्री भगवान की जय हो। सभी बने बने गोपी बनी आया भोला नाचे दे दे ताल है। गोपी बनी आया भोला नाचे दे दे ताल है। ऐसो ही रंगीलो मेरो माधव ने गोपाल है। ऐसो ही अरे बांसुरी बजावे चले मिट्टी मिट्टी चाल है। बांसुरी बजावे चले मिट्टी मिट्टी चाल है। ऐसो ही रंगीलो मेरो माधव ने गोपाल है। ऐसो ही रंगीलो मेरो माधव ने गोपाल है। बांसुरी बजावे चल टेढ़ी मेढ़ी चाल 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 है। ओ ऐसो ही रंगीलो मेरो माधव ने गोपाल है। ऐसो ही रंगीलो तेरा माधव ने गोपाल है। औरी जान छूटा ब्रह्मा को सेनाई सभी छूट गई। नारद जी को बीड़ा छूटो पार्वती रूठ गई। पार्वती रूठ गई। जान छूटो ब्रह्मा जी को समाधि छूट गई। नारद जी को बीड़ा छूटो पार्वती रूठ गई। पार्वती रूठ गई। पार्वती रूठ गई। औरी गोपी बने आया भोला नाचे दे दे ताल है। गोपी बने आयो भोला नाचे दे दे ताल है। गोपी बने आयो भोला नाचे दे दे ताल है। ऐसो ही रंगीलो मेरो माधव ने गोपाल है। प्यारी रास रचो है। रास रचो है।
यमुना किनारे प्यारे रास रचो है और रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे प्यारी रास रचो है और धाधा गिरगड़ धाधा गिरगड़ 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 था और धाधा गिरगड़ धाधा गिरगड़ 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 था और धाधा गिरगड़ धाधा गिरगड़ 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 था धा गिरगड़ गिरगड़ था धा गिरगड़ गिरगड़ था और राज रचो है यमुना के नारे का ना राज रचो है यमुना के नारे राधा राज रचो है और राज रचो है यमुना किनारे प्यारे रास रचो है और तगदी 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 दी गात गड़ दई और तगदी 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 दी गात गड़ दई और तगदी 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 दी गात गड़ दई दादी गात गड़ दई दादी गात गड़ दई और रास रचो है यमुना किनारे का ना रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे प्यारे रास रचो है और रास रचो किनारे का नाराज रचो है यमुना किनारे का नाराज रचो है और ताक 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 तो टीका गिरगड़ दई और ताक 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 तो टीका गिरगड़ दई और ताक 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 तो टीका गिरगड़ दई ताती का गिरगड़ दई ताती का गिरगड़ दई ताती का गिरगड़ दई और रास रचो है यमुना किनारे का नाराज रचो है रास रचो है यमुना किनारे प्यारे यमुना किनारे प्यारे राज रचो है और पद भक्त नीचे राधा आई जो ना 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 और जो ना 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 और जो ना 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 नृत्य करती राधा कृष्णा और नृत्य करती कृष्णा राधा कृष्णा और रास रचो है यमुना किनारे का ना रास रचो है यमुना किनारे का नाराज रचो है यमुना किनारे का नाराज हाथ उठाने का भी महत्व है। सुना होगा तुमने द्रौपदी का चीर खींचा गया था दुशासन द्वारा है। जब साड़ी किसी माँ बहन के लिए नग्न किया जाए कितनी शर्म वाली बात है। उस द्रौपदी को नग्न कर रहा था दुशासन तो भगवान की सेवा कुछ याद नहीं आ रहा था द्रौपदी के लिए। सिर्फ पांच पति बैठे हैं नजर को नीचे डाले हुए हैं पतियों द्वारा देख रही है पतियों के लिए लेकिन नजर नहीं मिला रही पति की वो जुआ में हार चुके। आज दुशासन साड़ी खींच रहा है उस द्रौपदी के लिए कुछ याद नहीं आ रहा सिवा भगवान कन्हैया को याद कर रही है कन्हैया गिरधर तू मेरी लाज को बचा ले। साड़ी को पकड़ रही है साड़ी खींच रही है साड़ी को पकड़ रही है बार बार साड़ी को पकड़ रही है दुशासन नहीं मानता है लेकिन जब अंत समय आया साड़ी का खींचने का तो उसने हाथ ऊपर कर दिया ले गिरधारी मैंने तो तेरे सहारे नहीं है छोड़ दी मैंने हाथ ऊपर कर दिया साड़ी को खींच ले ये दुशासन तो खींच लिया उसमें मेरी लाज आएगी तो तेरी लाज पहले जाएगी। है हाथ ऊपर कर दिया हाथ ऊपर किए थे द्रौपदी ने तो साड़ी में भगवान आ गए हैं साड़ी को बहुत लंबा कर दिया दुशासन थक गया लेकिन साड़ी नहीं खींची उस द्रौपदी की लाज को आके भगवान ने बचाया था। इसलिए हाथ ऊपर कर दिए जाते हैं कि भगवान तेरे भरोसे है मेरी नैया तू चाहे डुबा दे चाहे पार लगा दे इसलिए हाथ ऊपर कर दो कह दो भगवान से कि तेरे सहारे है ये गाड़ी ये नैया तेरे सहारे है चाहे डुबा दे चाहे पार लगा दे हाथ ऊपर करने सी बात है। सभी हाथ ऊपर करें एक बार कैमरा घुमाओ और सभी को वीडियो भी भैया कल के लिए आनी चाहिए। अब सभी बोलेंगे हाथ इस तरह नहीं थक नहीं गए हैं थक जाते हो क्या हाथ ऊपर करते इस तरह और बोले सभी और राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी बोले और राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी जोर से का भोजन करके ना आई हो है
भोजन करके आई हो तो बोलो जोर से, और राधे राधे जब चल आएंगे बिहारी, राधे राधे जब आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे हरी सरकार की जय हो। कितना अच्छा कीर्तन रहा, श्री बोल बाबा का धामा बना दियो भक्तों ने, हैं प्यारे भक्तों सभी ने कीर्तन किया, बड़े आभारी हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं सभी, तलस ले आइए। अब भगवान की पामानमय लीला की तरफ लेकर चलते हैं भक्तों को, आज की लीला का प्रसंग रहेगा वीर जालंधर वध, वीर जालंधर वध की लीला दर्शाई जाएगी मंच द्वारा। उससे पहले एक झांकी के दर्शन करेंगे, झांकी आपके समक्ष होगी, सभी झांकी बोल की। भक्तों ऊंची चोटी लालच बुरी, और इस दुनिया में सबको अपनी अपनी पड़ी है। नारद ने जिसे चाहा, नारद ने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, और नारद ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। भक्तों इस संसार में भक्त आ जाते हैं, परंतु जिस प्रकार से आसमान से बूंद आती है तब पवित्र होती है, परंतु इस पृथ्वी पर गिरते ही वह दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। उसी प्रकार से मानव इस संसार में आता है तो भगवान से ये वादा करके आता है कि प्रभु मैं तेरी पूजा करूंगा, सेवा करूंगा, मुझे इस पृथ्वी पर भेज दे। कब कहता है ये बात? जब अपनी माँ के गर्भ में होता है। जब व्यक्ति अपने माँ के गर्भ में होता है तो उससे बड़ा नरक कुंड जो होता है कोई नहीं होता है। जिस समय अपने माँ के पेट में नरक भोगता है उस समय प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दे, मैं तेरी पूजा करूंगा, सेवा करूंगा, रात दिन तेरा गुणगान करूंगा। परंतु इस पृथ्वी पर आते ही सब कुछ भूल जाता है और माया मोह में फंस जाता है और कहने लगता है कि ये पिता मेरा, ये माता मेरी, ये पैसा मेरा, ये धन दौलत मेरी, परंतु भगवान के नाम को भूल जाता है और कहता है कि एक हुआ तो दस होते, दस पाकर सौ की इच्छा है और इतने में संतोष नहीं ऐसी बहन इच्छा। इसके बावजूद भी प्रभु से कहता है कि हे प्रभु मुझे एक रुपया दे दे, मैं तेरी पूजा करूंगा, तेरे चरणों में जल चढ़ाने आऊंगा। फिर भी प्रभु सोचते हैं चल ठीक है, मैंने तुझे एक रुपया दे दिया, फिर भी संतोष नहीं होता है, कहता है प्रभु अब मुझे दस रुपया दे दे, मैं तेरे पास प्रसाद चढ़ाऊंगा। प्रभु उसे दस रुपया दे देते हैं, फिर भी संतोष नहीं होता है। फिर कहता है प्रभु मुझे सौ रुपए दे दे, मैं तेरी पूजा करूंगा, सेवा करूंगा। प्रभु सौ रुपए दे देते हैं, परंतु जब तक प्रभु उसको देते हैं तब तक प्रभु को याद करता है, माया मोह में फंसा रहना है। ये ऐसी इच्छा है कि प्रभु कितनी भी धन दौलत माया कितना भी कुछ दे दे, परंतु मनुष्य का पेट नहीं भरता है। और ये सबको पता है कि हम मुट्ठी बांध कर आए हैं और हाथ पसार कर
जाएंगे, कुछ साथ नहीं ले जाना है। इसलिए भक्तों प्रभु का भजन किया करो, और जो प्रभु की रासलीला चल रही है, हमारे व्यास जी महाराज अपनी गद्दी से बार बार कहते हैं कि भक्तों आकर के पंडाल में बैठ जाओ, परम कुछ भक्त खड़े होकर के लीला को देखते हैं। इसका कारण पता है क्या है? कोई नहीं जानते हो आप, ये एक भोग है। भोग कैसा कि प्रभु ने आपको इंसान का जन्म दिया और ये अवसर भी दिया कि आओ और मेरी लीलाओं के दर्शन करो, परम बैठ कर नहीं खड़े होकर के। ये एक भोग है कि आप लोग खड़े हो। आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अपराध किया होगा जो आपका प्रभु की लीला के दर्शन बैठ कर नहीं बल्कि खड़े होकर के करने पड़ रहे हैं। ये भी एक भोग है। इसलिए भक्तों ऐसे कर्म करो कि जिससे कि हमारा ये जीवन है ये धन्य हो जाए, प्रभु को मुक्ति प्राप्त हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करो। मनुष्य दिन में 3 बार भोजन करता है, परंतु भजन यदि 1 बार करने बैठ जाए तो उसमें भी कोई ना कोई झंझट लग जाता है। शांति से बैठकर भजन भी नहीं कर सकता 5 मिनट, और भोजन जब करेगा दिन में 3 बार तो उसके लिए कितना भी कठिन काम हो उसे छोड़ देगा। जब भूख लगेगी तो भोजन करने अवश्य बैठेगा। उसी प्रकार से आप 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट कम से कम प्रभु का 24 घंटे में नाम अवश्य लिया करो, जिससे कि हमारा ये जीवन है ये धन हो जाए और हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। आहा देखो काफी समय है गए और देवतागण समस्त शांत बैठे हुए हैं, और नारद तुम बन बन भटक रहे हो, प्रभु का गुणगान कर रहे हो, भजन कीर्तन कर रहे हो। इन देवताओं को नारद की कोई परवाह नहीं है। नारद ऐसी कोई चाल रचो जिससे देवताओं में कुछ खुट खुट हो जाए, तभी इस नारद को देवतागण याद करेंगे, जब ही तुम्हारी बूझ होगी। क्यों नहीं, जो सुरक का राजा है इंद्र बहुत ही जल्दी भड़क जाता है, समस्त देवी देवताओं का राजा है जिसे इंद्र कहते हैं। क्यों नहीं कुछ नाच गाने के साथ इस समय इंद्र लोक में चलना चाहिए। इंद्र के पास चलते हैं। नारायण नारायण श्री वर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी जो नारायणी नाम लेते हैं आज जो नारायणी नाम लेते बड़ी पाप होए सब चारायण हाँ पाप होए सब चारायण सिर्फ नारायण नारायण देव ऋषि नारद आगे को बढ़े हैं, और महाराज इंद्र का दरबार लगा हुआ है। महाराज इंद्र की जय हो, महाराज इंद्र की जय हो। तेजा बालक शत्रु तेजा बालक शत्रु धारक धर्म के अवतारे महाराज देवराज इंद्र आपकी जन्मय जय। अरे ये सिद्धिन हमारा, अरे ये सिद्धिन हमारा, ये सफल दरबार हो महाराज देवराज इंद्र आपके चरणों में दास का नाम स्वीकार हो महाराज। जय शक्ति, हेलो हेलो, जय महाकालेश्वर की।
जिसकी कृपा से दिया हुआ ताज वो तख्त पाता हूँ। जय कैसे जय हनुसर जय कामेश्वर कैलाशपति तेरे चरणों में नमन करी हूँ। जय माता पार्वती कर्पूर वरण कहला बता रहा हूँ। शरसार सारे विजेत हरम सदा वसंत विराल विदे भगवान भगवानी सहायता भगवानी राजा भोसले कहा हो युद्ध रहे मेरा राम बिना डेट अवसाओं के कहा मुझे कहिए महाराज दरबार के हालचाल सुनाओ। अरे महाराज अरे द्वितीय मिर्जा आपकी अरे द्वितीय मिर्जा आपकी नहीं कोई घर बंद है महाराज हम जिधर देखते उधर आनंदी सुनिए महाराज घर घर है महाराज घर घर है दूध दूध की आवाज आनी सिंह और बकरी की जैसे झटका बहुत अच्छे कहते हो जिस राजा को है नहीं बीच बीच का जाओगे वह राजा पशु तुल है राज बनाओ सब साठ बहुत अच्छे मंत्री मंत्री कहिए महाराज आप जाइए और प्रथम रेडियो पर खड़े हो जाइए कोई सोचना हो तो हम अवगत करा रहा ठीक है महाराज। नारद का आगमन होता है और श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि जय हो नारायण नारायण। भक्त हरि का नाम लेने में तालियों का साथ भी नहीं दे सकते पर पता है ये हमारी जो काया है कब पवित्र होती है ये पैर हमारे जब पवित्र होते हैं जब इनसे पैदल चलकर यात्रा की जाए और हमारे जो हाथ हैं ये ताली और दान करने से पवित्र होते हैं और हमारे जो नेत्र हैं इनको प्रभु को दर्शन करने से हमारी ये आंखें पवित्र होती हैं। इसलिए भजन में कीर्तन में तालियों का साथ जरूर दिया करो। आहा देखो मैं देव मैं इंद्र के दरबार में आ चुका हूँ क्यों नहीं यहाँ देखना चाहिए कोई पहरेदार है या नहीं। अरे यहाँ कोई पहरेदार है जी बेटे इस पर पहरेदार है जाओ और जाकर के अपने महाराज से कह दो कि देव ऋषि नारद दरबार पर पधारे हैं। महाराज की जय हो सभी मंत्री के समाचार लाए हो महाराज। हाँ दरबार में देव ऋषि नारद आना चाहते हैं क्या कहो देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है जी महाराज तो ठीक है थोड़े सम्मान से दरबार में बुलाकर लेके आओ ठीक है महाराज।
चलिए बेटे, हमारे महाराज ने आपको सम्मान सहित दरबार में बुलाया है। क्या कहा मंत्री, तुम्हारे महाराज ने मुझे दरबार में ही बुलाया है? जी गुरुदेव। वाह इंद्र, वाह, तुझे आज इतना घमंड हो गया कि मेरे सम्मान के लिए राज्य छोड़कर अपने दरवाजे तक नहीं आ सका। कोई बात नहीं इंद्र, आज तूने मेरा अपमान किया है, जा इस बात का बदला मैं तुझसे अवश्य लूंगा। कोई बात नहीं, चलो मंत्री हम तुम्हारे राजन के पास चलते हैं। देव ऋषि नारद के स्वागत के लिए सभी देवता अपना आसन छोड़ दिया करते थे, लेकिन इंद्र ने सिंहासन नहीं छोड़ा और ना ही स्वागत के लिए आया। देव ऋषि नारद के विचार आया, क्यों ना यहीं से आरंभ करता हूँ अपनी लीला। पहुंच जाते हैं दरबार में और देखते ही इंद्र ने प्रणाम किया है। गुरुदेव करता है प्रणाम आपको, ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप, खुश रहो राजन। अरे गुरुदेव कहो क्या बात है, आज अचानक से कहां से आना हो रहा है आपका? नारायण नारायण, हे राजन आप तो भली भांति जानते हो कि मेरा तो कार्य नगर भ्रमण करने का है। मैं तो इस समय नगर भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत की ओर से आपके जो गुरुदेव हैं भूत बाबन भोलेनाथ उनके पास से आ रहा हूँ। क्या कहा, हमारे गुरुदेव भूत बाबन भोलेनाथ के पास आ रहे हैं? हाँ राजन। तो गुरुदेव तो वहाँ तो सब कुशल मंगल तो है। नारायण नारायण, हे राजन वहाँ सभी कुशल मंगल तो है, परंतु तुम्हारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। छल? क्या कहा गुरुदेव, मेरे गुरुदेव ने मेरे साथ छल किया है? हाँ राजन। नहीं नहीं, वो मेरे गुरुदेव है, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। राजन तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल कपट किया है, तुम्हें नहीं पता है, मैं बताऊं आपको? हाँ गुरुदेव बताइए। तुम्हारे गुरुदेव ने जो तुम्हें राज्य दिया है ये क्या सोच समझ कर दिया है? गुरुदेव कहो, जो मुझे राज्य दिया है हाँ वो सबसे बड़ा राज्य है। क्या कहा मुझे दिया है? देवताओं का सबसे बड़ा राज्य, सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वह आपको दिया है। हाँ, यही तो तुम्हारे साथ छल किया है राजन। ये बड़ा राज्य नहीं है, बड़ा राज्य तो वे स्वयं चला रहे हैं, ये तो राज्य नहीं एक रजुल्ली है। रजुल्ली? क्या कहा गुरुदेव? हाँ ये रजुल्ली है। हाँ जो बड़ा राज है वह स्वयं तुम्हारे गुरुदेव भूत भवन भोलेनाथ संभाले हुए हैं, ये तो एक छोटा सा राज्य है जो आपको दे दिया है, यही तो छल कपट किया है तुम्हारे साथ। राजन यदि तुम्हें बड़ा राज्य चाहिए तो मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। बताइए। देखो राजन, वह तुम्हारे गुरुदेव है, आप उनके पास जाओ और जाकर के कहना गुरुदेव तुमने मेरे साथ छल कपट किया है, जो बड़ा राज्य है वह आप स्वयं चला रहे हो और जो छोटा राज्य वह मुझे दे दिया है, मुझे वो छोटा राज्य नहीं चाहिए, जो राज्य आप संभाले हुए हो ये राज्य मुझे दे दो और वह राज्य तुम ले लो, और यदि राज्य देने से इनकार कर दे तो क्या करोगे पता है? क्या करूं? उनसे कहना गुरुदेव यदि ये बड़ा राज्य मुझे नहीं दोगे तो मैं अपने वज्र से तुम्हारे इस कैलाश पर्वत में खंड खंड कर दूंगा। क्या कहो मुझे गुरुदेव से आपने कहना है? हाँ तो ठीक है गुरुदेव, कल गुरु पूर्णिमा है और मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुदेव का पूजन करने के लिए जाऊंगा, उसी समय गुरुदेव मुझसे कुछ मांगने को कहेंगे तो मैं देवते वाला राज्य में मांग लूंगा, यदि राज्य से देंगे तो ठीक है, अन्यथा उन्हें युद्ध के लिए मारूंगा। हाँ राजन बहुत सुंदर, ऐसा ही करना होगा जब ही आपको बड़ा राज्य मिलेगा, और फिर भी अच्छा है कल गुरु पूर्णिमा है। ठीक है राजन, ठीक है गुरुदेव, ठीक है राजन, अब हम तो चलते हैं अपने धाम को और तुम सोच समझ के करना अपने काम को। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद
समझा कर चले गए, कुछ उल्टा सीधा समझा दिया है। कह दिया कि आपको खीर पूड़ी खाने वाला देवताओं वाला राज दे दिया है, छोटा सा एक तुच्छ राज देकर आपको प्रश्न कर दिया है। और इंद्र चल पड़े हैं कैलाश पर्वत की ओर। हाँ जी, ये 50 साल क्या है नारद? थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द की दवा की दवा दीजिए मेरे प्यारे, की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए के दर्शन करने के लिए मंच पर आए सभी भाव के साथ आए और राधा रानी के चरणों में नमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जितने भाई बंधु माता बहने हैं और जिस सड़क के किनारे बैठे हो, तुम भी भगवान की लीला का श्रवण कर रहे हो, आ जाओ सभी भगवान के दरबार तक आए हैं। बात पैसे की नहीं है, भाव के साथ आए। पैसे हो तब भी आ जाए, पैसे ना हो तब भी आ जाए। भगवान के चरणों में नमस्तक हो, राधा रानी के चरणों में नमस्तक होकर और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। आते रहें माता बहने, आ जाए, शर्म ना करें, संकोच नहीं करें, आ जाए। दर्द की दवा दीजिए, तारे
देखिए बारी बारी से आते जाएं, क्योंकि हमारी माता बहना हर जगह आगे रहा करती हैं। क्योंकि अगर नाम लिया जाए गौरी शंकर तो सबसे पहले माँ गौरा आती हैं, तब शंकर आते हैं। नाम लिया जाए सीताराम तो पहले माँ सीता आती हैं, तब राम आते हैं। नाम लिया जाए राधा कृष्ण तो पहले राधा उसके बाद कृष्ण आते हैं। इसलिए हर मार्ग में असत मार्ग में हमारी माता बहना आगे हुआ करती हैं। तो देखिए शर्म की कोई बात नहीं, ठाकुर के दरबार में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। प्रेम से पैसे हैं तो भी आए और नहीं है तो भी आए, अगर नहीं है तो अपने हृदय का भाव लेकर के चले आए। प्रभु उसको ही स्वीकार करते हैं। आप जब बरसाने में जाएंगे तो बड़ी सुंदर राधे रानी की झांकी देखने को मिलेगी। ये भाई ब्रज की सुंदर झांकी है। थक गया चलते चलते मेरे प्यारे, थक गया चलते चलते मेरे प्यारे, अपना दामन कमा दीजिए मेरे सारे, अपने दामन कमा कहता है इस दुनिया से हार गया हूं मैं, इस दुनिया ने सिवा दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया, सिर्फ तेरा सहारा लिया है प्रभु। ओ जख्म दुनिया ने मुझे खो दिए मेरे प्यारे, बोली राशि।